चलिए एक और नए निमसेट 2022 के एक टॉपर से मिलते हैं, पूनम से, जो कि मुंबई से हैं और इनका ऑल इंडिया रैंक 56 है। तो पूनम, सबसे पहले आपको इस ऑल इंडिया 56 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको और आपके पेरेंट्स सभी को। सर, सबसे पहले सारा थैंक यू आपको। आपको मेहनत करता हुआ देख के ही हम लोग में कॉन्फिडेंस आया है कि सर अगर इतनी मेहनत कर सकते तो हम लोग तो यार, इसके लिए सर आपके लिए चाहिए पाया। और ऑफकोर्स पेरेंट्स का सपोर्ट था साथ में, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू सर, एंड थैंक्स टू द इम्पेटस टीम। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा पूनम, मैं आपके बारे में, जैसे आपने बताया था आपने ड्रॉप लिया था लास्ट ईयर भी, आपने दिया था पर क्योंकि ड्यू टू कोविड एक महीना आपका उसमें बीमारी में निकला, फिर पूरी तरह से मैनेज नहीं हुआ, फाइनल ईयर भी था, पर आपने उसके बाद कमबैक किया और इस बार आपने इतनी अच्छी 56 रैंक दी। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका पूरे होल ईयर का क्या प्लानिंग था, किस ढंग से पढ़ाई की, और क्योंकि कई बार जब हम ड्रॉप लेते हैं तो एक प्रेशर होता है, कई बार गर्ल्स को और थोड़ा ज्यादा होता है, तो क्या आपका सक्सेस जर्नी कैसी रही वो मैं चाहूंगा आप डिटेल में बताओ। सर, मैंने लास्ट टाइम जब एग्जाम दी थी पूरी करी, थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, मैंने फेब में ज्वाइन किया था इम्पेटस, तो फास्ट ट्रैक कोर्स तब भी आपने लॉन्च किया था, तो मैंने वो एकदम सिंसियरली तभी कॉलेज के साथ, कॉलेज के प्रोजेक्ट्स वर्क वगैरह सब थे, बट मेरी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी रही, बट पूरा पोर्शन कंप्लीट नहीं हो पाया था तभी, ऑफकोर्स क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया है। फिर क्या हुआ था कि एग्जाम के 1.5 मंथ पहले बीमारी, ऑफकोर्स कोविड हो गई थी घर पे सबको ही, तो उसकी वजह से ऑफकोर्स लास्ट में रिविजन भी अच्छे से नहीं हो पाया, बट स्टिल मैंने मतलब जब ठीक हो गए सब तभी मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, देना तो है इस बार भी, चाहे हो या ना हो सिलेक्शन, देना तो है इस बार, ताकि आप हमेशा बोलते हैं सर कि एक्सपीरियंस हो जाएगा, अगर नहीं सिलेक्शन हुआ तो एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो ये बात सर आपकी बहुत ज्यादा ही मेरे लिए अच्छी रही कि मैंने दे दी एग्जाम। तब मेरा रैंक था 915 आया था मेरी रैंक, तब बहुत ही ज्यादा, जिस दिन रिजल्ट आया था तभी बहुत ही डीमोटिवेटेड फील हुआ, लो कॉन्फिडेंस फील हुआ, बट जैसे तैसे खुद को संभाला, फिर घर से सपोर्ट तो हमेशा ही रहा है, तो फिर मैंने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि मुझे ड्रॉप लेना है, और मन में था सर पूरा कॉन्फिडेंस था कि हो ही जाएगा, इस बार थोड़े सर्कमस्टांसेस ठीक नहीं थे तो नहीं हो पाया, ठीक है रीजंस थे वैलिड थे, तो मैंने पेरेंट्स को समझाया और उन्होंने तुरंत ही हाँ बोली, उनको पूरा कॉन्फिडेंस है, जितना मुझे मुझ पे नहीं उतना मेरे पेरेंट्स को मुझ पे कॉन्फिडेंस है, तो उन्होंने बोला कि जो तुझे ठीक लगे वो कर, हम लोग है साथ। तो फिर सर वेरी नेक्स्ट डे मैंने आपसे बात की, तो आपने मुझे एडवाइस किया कि पेन ड्राइव कोर्स और लाइव कोर्स दोनों लेना है, तो मैंने दोनों कोर्स ले लिए, लेके फिर मतलब वो अच्छा रहेगा और उससे फिर कैसे पढ़ना है वो सभी आपने एक्सप्लेन किया। तो फिर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैंने डिसाइड कर लिया कि जो गलतियां पहले की थी वो अभी रिपीट नहीं करनी है, उनसे सीख के उनको अप्लाई करना है, उनको ठीक कैसे करना है वो सब मैंने पूरा अच्छे से, क्या करती थी मैं कि पहले पेनड्राइव कोर्स में से सारी लेक्चर्स अटेंड कर लेती थी, प्रॉपर नोट्स बनाती थी, उसके बाद क्लासेस का जो ऐप है वो इतना बढ़िया है कि मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी उसमें, पहले ही पता चल जाता था कि नेक्स्ट डे या एक दो दिन बाद कौन से लेक्चर होने वाले, तो वो मैं पेनड्राइव कोर्स से पहले पढ़ लेती थी, फिर उसके बाद लाइव क्लास अटेंड करते थे, तब लाइव क्लास तक पहुंचते पहुंचते ये पता चल जाता था कि क्या क्या मुझे डाउट्स आ रहे हैं, पेनड्राइव कोर्स से पता चल, नोट कर लेती थी और लाइव क्लास में अपने डाउट क्लियर कर लेती थी। उसके बाद मैं डीपीटीज जो आपने दी थी, और डीपीटीज भी सर आपने कितने अच्छे से डिजाइन की थी, मतलब पता ही नहीं चला कि मेरा कब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं, वो पता भी नहीं चला, तो डीपीटी सॉल्व करती थी, फिर डीपीटी अब जैसे मैंने ड्रॉप लिया है तो मेरे पास टाइम था, तो सर आपने सजेस्ट किया था कि बुक्स भी कर सकते हो अगर टाइम है तुम्हारे पास, तो फिर मैंने पहले डीपीटी को 2-3 बार सॉल्व करके हो जाता था, तभी मैं एकदम बेसिक वाली बुक जैसे आर डी शर्मा 11th 12th है वो सॉल्व कर लेती थी, उसके बाद अगर टाइम, वो भी 2-3 बार मैंने सॉल्व की है, उसके बाद मैं नेक्स्ट मूव इस पे पहुंची कि अगर मुझे ऐसा लगता था कि हाँ कि सेल्स फोरम में ये वाले टॉपिक्स बड़े अच्छे अच्छे दिए हुए जैसे प्रोबेबिलिटी थी, तो मैंने उसमें से सॉल्व किए वो भी 1-2 बार, मतलब जो भी किया है उसको ही बार बार कंप्लीट करने के बाद ही मूव ऑन कराया है, और ऐसे नहीं कि पूरी बुक सॉल्व की थी मैंने, मैंने कोई कोई जो भी मुझे बेस्ट टॉपिक्स बेस्ट बुक में से लगते थे वैसे सिलेक्ट करके सिर्फ वही पढ़ा था। फिर ये सारी तो बुक्स थी मेरी, फिर मैंने मॉक टेस्ट जब आपने स्टार्ट किया, और मॉक टेस्ट भी सर आपने इतने अच्छे से डिजाइन किया था, पहले मुझे नहीं समझता था कि एक दिन ईजी होता था फिर नेक्स्ट डे मतलब अचानक से डिफिकल्ट पेपर आ जाता था, तो वो थोड़ा समझना मुश्किल था स्टार्टिंग में, बट आगे जाके सर आपकी साइकोलॉजी थोड़ी समझी मुझे कि आप ये नहीं चाहते थे कि इजी मॉक में हमारे स्कोर ऑफ कोर्स अच्छे आ जाते,
तो हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ऑफकोर्स, और फिर हम लोग थोड़ी मेहनत कम करने लगते हैं, फिर जैसे ही डिफिकल्ट मौका आता है तब पता चलता है कि क्या कर दिया है। तो ये जो आपके टेस्ट सीरीज का जो डिजाइन था ना सर, तो उससे कॉन्फिडेंस पूरा मेंटेन रहा है, तो ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। और उसके बाद सर जब रिविजन मॉक टेस्ट जो आपने शुरू किया, तब तक मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि हम लोग एक घंटे में पूरा पेपर सॉल्व कर सकते, तो वो चीज तो सबसे बेस्ट थी। और सर मैं आपको ये बोलूंगी कि ये इस बार और जल्दी स्टार्ट कर देना रिविजन मॉक टेस्ट, वो सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट के लिए भी। तो उससे मुझे पता चला कि एक घंटे में पूरा पेपर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसके पहले मैं पूरा पेपर देख भी नहीं पाती थी, स्कोर अच्छे आते थे बट ध्यान नहीं दिया कि पूरा पेपर सॉल्व नहीं हो पा रहा मेरे से। तो रिविजन मॉक से ये चीज हुआ कि 2 घंटे का पेपर 1 घंटे में सॉल्व कर रहे हैं, और यही चीज फाइनल एग्जाम में मुझे काम आई कि मैंने पूरा पेपर 1 घंटे में जितना भी आता था सब सॉल्व कर लिया। फिर अपने आप कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, तो जो नहीं आता था वो भी होने लगे क्वेश्चंस। तो सर ये थी मेरी स्टोरी। तो पुनः मैंने आपकी स्टोरी सुनी, बहुत अच्छी। इसमें मुझे एक बात समझ में आती है कि आपने साल भर पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे रखा, तो इन साल भर में आपकी कोई ऐसी चीज, मतलब आप घर घूमने उमने गए कि घर पे पढ़ाई? क्योंकि आप, मुझे ऐसा लगता है आपने साल भर कुछ और देखा ही नहीं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बाहर नहीं जाती थी, घर पे ही रह के पढ़ती थी। अफकोर्स ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ सर, घर पे बैठ के डिस्टर्बेंस तो होती है, मेरा छोटा भाई है अफकोर्स डिस्टर्ब करता ही रहता था बार बार आके, तो मेरे पेरेंट्स ने इसमें बहुत ही ज्यादा हेल्प की। मतलब मैं जिस रूम में बैठ के पढ़ती थी तो वहाँ कोई नहीं आएगा जाएगा, और मेरे मतलब पूरे दिन में मतलब खाना पीना सब भूल जाती थी जब पढ़ने बैठती थी, तो वो लोग एकदम ध्यान रखते थे टाइम टू टाइम। मतलब इनफैक्ट मेरी पानी की बॉटल भी सर उसका भी ध्यान रखते थे कि ये खुद से उठ के नहीं भरने वाली, हमको ही करना पड़े वो। और फिर सर घर में टीवी, अफकोर्स टीवी भी बंद हो गया था, मतलब 1 साल टीवी ही नहीं चला, और फोन वो सब भी बंद हो गया। फिर बाहर जाना तो वैसे ही मैंने मतलब पूरा फोकस ये था, और कोविड वाला टाइम भी था तो ज्यादा घूमना फिरना तो वैसे ही बंद हो रखा था पहले से, तो वो सब भी बंद कर दिया था। और मैं नहीं करती थी, ये सेक्रीफाइस मेरे पूरे फैमिली ने किया है कि अगर मैं नहीं जा रही तो कोई भी नहीं जा रहा, तो मतलब ऐसे पूरा सपोर्ट आता है, कोई जाता है बाहर तो हमारा भी मन करता है कि हम भी चले जाएंगे, तो फैमिली से बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है, तो उनको बहुत थैंक्स। और ऑफकोर्स फ्रेंड्स का भी मैं बोलना चाहूंगी कि मेरे फ्रेंड्स भी, मैंने उनको बोला था कि लास्ट के जब 2 मंथ बाकी थे, मैंने उनको बोला था कि मैं सीधे सीधे मैंने टेक्स्ट कर दिया था कि अभी मैं तुमसे तुम लोग से कोई बात नहीं करूंगी, तुम लोग मुझे टेक्स्ट मत करना, और वो लोग ने इतना सपोर्ट किया ना, क्योंकि उनको पता था कि ये सीरियस है और ये करके दिखाएगी कुछ अच्छा, तो उन्होंने भी सपोर्ट किया। फिर जैसे एग्जाम खत्म हुई तो पहले मैं गई फ्रेंड से मिली, उन सब से बात की, तो ये था सर बहुत सैक्रिफाइस। बिल्कुल सच बात बोली, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपने अपनी जो रैंक अचीव की ना, आपने अपनी मेहनत की, पर इसके पीछे सराउंडिंग बहुत सारी चीज, जैसे आपने घर में टीवी नहीं चली, पेरेंट्स खुद नहीं गए कि बच्चे को कहीं ना लगे हम छोड़ के जा रहे हैं, आपको साइलेंट दिया एटमॉस्फेयर, मतलब आपके फ्रेंड्स ने भी बात आपको सपोर्ट किया, ये सब भी कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्टली आपको इतना अच्छा सपोर्ट मिला। फिर आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट के एनालिसिस कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आ गया कि मैं टेस्ट के लेवल को कब अप डाउन कर रहा हूँ, वो चीज आपने जो सब पकड़ी ना उसको, उसका फायदा ये हुआ कि आप फाइनल पेपर में आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको सारी चीजें पता थी कि करना क्या है और किस ऑर्डर में करना है। तो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा। जो बच्चे सुन रहे होंगे, देखिए जब आप कभी कोई डिसीजन लेते हैं, जैसे ड्रॉप आपने लिया, पर ड्रॉप लिया तो उसको आपने पूरी ईमानदारी से ड्रॉप के लिए अपनी मेहनत की और इसीलिए इतना अच्छा रैंक आया। तो आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, और जो बच्चे ड्रॉप लेने वाले हैं उनको, और जो फाइनल ईयर सेकंड ईयर में, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? जो भी फाइनल ईयर में है उनको मैं बोलूंगी, अगर कोई ये वीडियो लेट भी देख रहा होगा तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगी कि चाहे कितना भी लेट हो जाए, अब ये सोचने में, जैसे आप बोलते थे सर कि ये सोचने में और टाइम वेस्ट मत करो कि अभी हम करें कि नहीं करें, तो मतलब जब से सोचा है तब से करना चालू कर दो, एग्जाम भी दे दो चाहे प्रिपरेशन पूरी नहीं है, एटलीस्ट आपके पास एक्सपीरियंस तो आ जाएगा। तो वो एक्सपीरियंस ऑफकोर्स मेरे लिए बहुत काम किया, क्योंकि मुझे पता चला कि कैसे क्या एंजाइटी फील होती है एग्जाम पेपर स्टार्ट होने के पहले, जो 1 घंटे बिता के रखते हैं, तो वो चीज़। और जो ड्रॉप अभी ले, जिसका अभी बाय चांस इलेक्शन नहीं हुआ, उनको मैं फील कर सकती हूँ कि उनको कैसा फील हो रहा है इस बार, कि बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रहे होंगे तुम लोग, बट रोना भी आ रहा होगा, तो मैं बोलूँगी यार रो दो, मैंने भी किया था, एकदम हल्के हो जाओ, रुक के खुद को थोड़ा ब्रेक दे दो, एक दिन का, एक हफ्ते का, उसके बाद अगर थोड़ा भी ऐसा लगे ना कि मैं कर सकता हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता हूँ, तो यार ड्रॉप ले लें। अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना और किसी को नहीं,
सर से बात कर लेना, अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लेना, बस उनका सपोर्ट रहेगा तो फिर कोई भी नहीं रोक सकता आपको एक बेस्ट रैंक देने से नेक्स्ट ईयर। तो ड्रॉप लेने के बारे में सोचो मत, लोग कुछ भी बोले, आप अपना सिंगल माइंडेड फोकस रखो अपने गोल पे। बहुत अच्छी बात बोली पूनम, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आपके जो एक्सपीरियंस है और जो आपने मेहनत की है और जो आपने पूरे साल भर डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ाई की, बच्चे वीडियो सेशन से बहुत कुछ सीखेंगे और अब आपको आगे जाके एनआईटी में भी ऐसे ही परफॉर्म करना है, ऐसे ही अपनी पहचान बना के रखनी है, अच्छा पॉइंटर मेंटेन करना है और बहुत अच्छा प्लेसमेंट लेना है। वंस अगेन कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।